आपको बता दें कि 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने सिल्वर पदक जीत लिया है और ओलंपिक में कुश्ती फाइनल में रवि का मुकाबला था रूस के पहलवान से, लेकिन कोई बात नहीं, ये खेल के अंदर अप एंड डाउन चलता रहता है। लेकिन जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मिल रहा है, रजत पदक जीत लिया है, यानी कि सिल्वर हिंदुस्तान की झोली में आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फाइनल में रजत पदक जीता है, 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया है। और कुश्ती फाइनल के अंदर जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि गोल्ड मेडल हमारे हाथ में आए, हमारी झोली में आए, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो लम्हा है, क्योंकि एक ज़रा सी चूक या फिर कहे कि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन होता है, तो उसमें इसका सीधे तौर पर असर पड़ता है। और मनोहरलाल खट्टर यह कराइए, सुन दे जरा। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आए। सर, कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए, 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर, व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं। अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं, तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली में 1 सिल्वर उन्होंने बढ़ाया। तो आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, ये अप एंड डाउन का वक्त होता है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड से चुके हैं पहलवान रवि दहिया। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और रूस के पहलवान ने रवि को शिकस्त दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड से चूके पहलवान रवि दहिया, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। और इस तरीके से हमने सुना है अभी हरियाणा के सीएम को, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर मेहनत की जाएगी, और भी हमारे खिलाड़ी हैं जो कि अभी रेस में हैं। फिलहाल रूस के पहलवान ने रवि को शिकस्त दी है और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड से चूक गए हैं पहलवान रवि दहिया। हालांकि ये बात भी काबिल गौर है कि रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है, यहाँ पर भी पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाता है।